नौकरी और काम दोनों के अवसर सिकुड़ गए। हर दिन काम की तलाश में निकलने वाले लोगों के लिए हर दिन एक नया जुआ होता जा रहा है। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जो लोग सुशांत के परिवार को धमकी दे रहे थे, वो अब सुशांत के साथ खड़े हर हिंदुस्तानी को धमकी दे रहे हैं। क्वेश्चन आर का मतलब ये होता है कि सरकार से सवाल पूछे जाए, जवाब से संतुष्ट नहीं है और सवाल पूछिए, तो अब क्वेश्चन आवर नहीं होगा, यानी हमारे सांसद सवाल नहीं पूछ पाएंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी साजिशों के तार कहां कहां जुड़े हैं, उसका एक एक चेहरा दुनिया के सामने आने लगा। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को ये अच्छी तरह पता है कि भारत से सीधी टक्कर हुई तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। देश में जितनी भी समस्याएं होती हैं हमें मीडिया चैनल्स के जरिए ही पता चलता है, पर अब हमारे न्यूज मीडिया चैनल ही जरूरी मुद्दों को तवज्जो ना देकर किन्हीं और मुद्दों को हमारे लिए जरूरी बना रहे हैं। आज हम वरिष्ठ मीडिया पत्रकारों द्वारा पिछले हफ्ते डिबेट के जरिए उठाए मुद्दों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कौन से मुद्दे उनके लिए जरूरी रहे। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी की और देखते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को अपने डिबेट के जरिए तवज्जो दी। पहला, अर्नब का ऐलान, नहीं दबेगी सुशांत के इंसाफ की आवाज। दूसरा, दिशा सुशांत की हत्या का कनेक्शन। तीसरा, सुशांत के परिवार को बदनाम करने की साजिश। चौथा, आवाज दबाने की कोशिश क्यों। और पांचवा, ड्रग्स के बाद अब डील वाला कनेक्शन। अर्नब पिछले कुछ समय से सुशांत केस में ही व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, इस बार भी वह इन्हीं मुद्दों में व्यस्त दिखाई दिए और कंगना और संजय रावत के बीच जो विवाद हुआ उस मुद्दे पर वह संजय रावत पर सवाल उठा रहे थे। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जो लोग सुशांत के परिवार को धमकी दे रहे थे, वो अब सुशांत के साथ खड़े हर हिंदुस्तानी को धमकी दे रहे हैं। ये धमकी दी जा रही है, मुंबई में आओगे तो देख लेंगे, क्या देखोगे संजय राउत, हाँ धमकी दी जा रही है। मुंबई पुलिस पर सवाल उठाओगे तो मुंबई में घुसने नहीं देंगे। अरे मैं तो तब से सवाल उठा रहा हूं, क्या कर लोगे, मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं, क्या कर लोगे संजय राउत। मुंबई पुलिस पर सवाल उठाओगे तो पूरा देश खड़ा उठा है। अरे संजय राउत जी, अपनी बात कहो, अपने लिए बोलो, कौन हो तुम? आप हर भारतीय को मुंबई आने पर देख लेंगे, मुंबई में कोई आएगा तो देख लेंगे, क्या देख लोगे। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखते हैं उनके लिए कौन से मुद्दे जरूरी रहे पिछले हफ्ते। पहला, व्हाट इज इंडियाज न्यू स्ट्रेटजी ऑन एलएसी। दूसरा, इज टेंशन एट एलएसी अ सिंबल ऑफ इंडो चाइना वॉर। तीसरा, पाकिस्तान टर्न्स आउट टू बी अ स्नेक ऑन सोशल मीडिया। चौथा, व्हाई इज पाकिस्तान स्प्रेडिंग पॉइजन इन इंडिया। और पांचवा, चाइनाज डिप्लोमेटिक सीज आफ्टर स्कर्मिश इन गलवान। दीपक की डिबेट कम्युनल मुद्दे पर ही होती है और इस बार ये डिबेट पाकिस्तान या चाइना के मुद्दे पर हो रही है। दीपक ने अपने लेटेस्ट डिबेट के जरिए पाकिस्तान की काफी आलोचना की है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी साजिशों के तार कहां कहां जुड़े हैं, उसका एक एक चेहरा दुनिया के सामने आने लगा। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को ये अच्छी तरह पता है कि भारत से सीधी टक्कर हुई तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा, इसीलिए पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और उनका भड़काऊ गैंग सोशल मीडिया के सहारे एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को हवा दे रहा था। भारतीय मुसलमानों को भड़काने के लिए फर्जी पोस्ट और फेक न्यूज का सहारा लेता रहा। ऐसे ही सोशल मीडिया साइट्स पर बड़ा एक्शन हुआ है। सवाल यही है कि इमरान खान का नंबर कब आएगा, क्योंकि वो भी इसी तरह की पोस्ट करते हैं। जहर फैलाने वाले फिर बेनकाब, सोशल मीडिया का सांप निकला पाकिस्तान, जहर फैलाया तो हुई सख्त कार्रवाई। उन्होंने तो सो प्लान बनाया हो कि पाकिस्तान भी सारा ऊपर, पाकिस्तान का कश्मीर भी उनके नीचे। पाकिस्तान की भारत के सामने खड़े होने की हैसियत नहीं, लेकिन कोई ना कोई खुराफात करने के इरादे से पाकिस्तान नए नए पैंतरे चलता रहा है। अब बात करते हैं उस मीडिया की जिसे जनता उम्मीद करती है कि वे उनके मुद्दे उठाएंगे। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और जानते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को अपनी डिबेट में तवज्जो दी। पहला, जनता जनार्दन है या जजमान। दूसरा, बेरोजगारी का मुद्दा बेरोजगार हो गया। तीसरा, कोरोना वायरस से 326 डॉक्टरों की मौत मगर शहीद का सम्मान नहीं। चौथा, -23.9% GDP पर क्यों चुप है प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। और पांचवा, नीट और जेईई की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। रवीश ने अपने प्राइम टाइम पर बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए और लॉकडाउन के बाद की स्थिति पर भी बात की। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अर्थव्यवस्था को लेकर आशावान दिखाई देते हैं
उन्हें लगता है कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था वापसी की तरफ मुड़ेगी तब भारत की अग्रिम भूमिका होगी। अगर आप एशिया के देशों से तुलना करें तो इस महामारी के समय में भी कई देश एशिया के भारत से बेहतर कर रहे हैं। आपको वो हेडलाइन याद होगी, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की। क्या आपके जीवन में उस पैकेज से कोई असर पहुंच रहा है? नौकरी और काम दोनों के अवसर सिकुड़ गए हैं। हर दिन काम की तलाश में निकलने वाले लोगों के लिए हर दिन एक नया जुआ होता जा रहा है। कभी कभी तो तीन तीन दिनों तक काम नहीं मिलता है, गांव में भी काम नहीं। जब यहीं के काम करने वाले बंदे यहाँ आ जाते हैं, यहीं करते रहते हैं काम, और वो भी लॉकडाउन की वजह से काम भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे भी। आप कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं? मैं 6 दिन से आ रहा हूँ, एक भी दिन काम नहीं, एक भी दिन काम नहीं मिला। और वहाँ से किराया लेके आए थे और यहाँ आज खाने के लिए नहीं, एक रुपए नहीं है जेब में, अब क्या करेंगे। अब बात करते हैं HW न्यूज नेटवर्क के वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर डिबेट की। पहला, फेसबुक बैन्स बीजेपी MLA राजा सिंह। दूसरा, इंडिया इज रीलिंग अंडर मोदी मेड डिजास्टर्स राहुल। तीसरा, अलाहाबाद हाईकोर्ट सेट्स असाइड NSA डिटेंशन फॉर डॉक्टर कफील। चौथा, इंडिया GDP कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 23.9% इन Q1। और पांचवा, एक्ट ऑफ गॉड मे रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकॉनमी दिस फिजिकल, फाइनेंस मिनिस्टर। विनोद दुआ अक्सर सरकार से सवाल करते हैं, इस बार भी संसद में प्रश्नकाल ना होने को लेकर उन्होंने जानकारी दी और बताया कि कितना जरूरी है संसद में प्रश्नकाल होना। इतने लंबे लॉकडाउन के बाद संसद बंद रही है और अदालतें भी बंद हैं, अब जाकर संसद के सत्र होंगे। और ये नोटिफिकेशन आया है सेक्रेटेरिएट से, जो पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट है वहाँ से आया है। उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा और उसमें जो जीरो आवर होता है, जो 60 मिनट का होता है, एक घंटे का होता है, वो भी 30 मिनट का होगा। ये सब कोविड की वजह से किया गया है, क्योंकि कोविड है इसलिए क्वेश्चन आवर नहीं होगा। क्वेश्चन आवर और जीरो आवर जो दोनों, ये बड़े किसी भी संसद के सत्र के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन आवर का मतलब ये होता है कि सरकार से सवाल पूछे जाएँ, जवाब से संतुष्ट नहीं है और सवाल पूछिए, उस जवाब से संतुष्ट नहीं है एक और पूछिए, यानी एक सवाल दो सप्लीमेंट्री सवाल हर सांसद का हक है। तो अब क्वेश्चन आवर नहीं होगा, यानी हमारे सांसद सवाल नहीं पूछ पाएंगे, तो फिर संसद किस बात की हुई एक तरफा फैसला सुनाने की? अब इसे एक्ट ऑफ गॉड कहें या एक्ट ऑफ पीपल हु बिलीव इन होल्डिंग कंप्लीट पावर इन देयर हैंड्स। भारत देश कोरोना के मामले में अब दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। देश में कोरोना के मामले 42 लाख के पार हो चुके हैं और 32 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब रोज 90,000 से ज्यादा मामले देश में आ रहे हैं। इसके अलावा अब GDP के आंकड़े भी जारी हो चुके हैं जिसमें हमारी स्थिति नेगेटिव में है। इसके बावजूद हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया सुशांत और पाकिस्तान के मुद्दे में व्यस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.